नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। भिंड जिला अस्पताल को दी गई करोड़ों रुपए की सौगात। मंत्री अरविंद भदौरिया ने किया 2 ऑक्सीजन प्लांट व आईसीयू बेड का लोकार्पण। मध्य प्रदेश में नंबर 1 पर आने वाले भिंड जिला अस्पताल को कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया ने फिर एक बार नई सौगात दी है। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर ऑक्सीजन प्लांट व 2 आईसीयू वार्डों का लोकार्पण किया गया। मंत्री ने पत्रकारों से रूबरू होकर कहा कि सरकार कोरोना की तीसरी लहर की पूरी तैयारियां कर रही है। अब भिंड जिले में जिला अस्पताल में 3 ऑक्सीजन प्लांट चालू किए गए हैं। अब ऑक्सीजन की कमी से कोई भी परेशान नहीं होगा, आईसीयू बेड भी पर्याप्त है। मंत्री भदौरिया ने भिंड जिले को मेडिकल कॉलेज में लाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि जिले में मरीजों की 118 जांचें फ्री कराने की बात कही। भिंड से आरती शर्मा की रिपोर्ट। उसी दिशा में हम लोग विचार करते हैं। जो अभी आपके अजीत मिश्रा जी बात करते हैं, आज से 10 साल पहले का भिंड हॉस्पिटल देखिए, इवन 5 साल पहले का भिंड हॉस्पिटल देखिए और 2 साल पहले का भिंड हॉस्पिटल देखिए, उस समय भी केजरीवाल जी ने बड़ा प्रयास किया और अभी 3-4 महीने में जो काम हुआ है, ये देश की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में अकेले जिला नहीं, ब्लॉक ब्लॉक के नीचे के सेंटरों में भी उसको 3 चीजें, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से एक एजेंडा लेके पूरे देश में बड़ा काम किया, उसको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी लगातार प्रयास किया। अभी हम कैबिनेट की मीटिंग थी, 8 नए मेडिकल कॉलेज है, 9 संख्या एजेंट में सामने नए मेडिकल कॉलेज की प्रशासकीय स्वीकृति दे दी है। तो ऐसे करके एक बड़े काम मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। भिंड हॉस्पिटल में भी हमारे लाडले विधायक सदन के संजीव सिंह सज्जू को मैं विधानसभा में देखा, अभी 100 बेड और नक्शा बढ़ाया, तो इसमें हमारे संजीव सिंह सज्जू का बड़ा रोल है। इन्होंने विधानसभा में तो चिल्ला चिल्ला के, हम भी समर्थन में खड़े हुए थे, बोले थे हमें जरूर करना चाहिए, भिंड में करना चाहिए, ऐसे करके हम लोग लगातार प्रयास करते हुए तो वो भी हम लोग को मंजूर हो गए। एक बड़ी इच्छा हम दोनों की है, सांसद महोदय ने भी बड़ा प्रयास किया, हम तीनों लोग चाहते हैं कि भिंड को भी एक मेडिकल कॉलेज मिल जाए। इसके लिए हम तीनों लोग मिलते हैं, इवन ओपीएस जी भी, हम चारों लोग मिलते हैं। मैंने सीएम साहब को आग्रह भी किया है और दिल्ली में भी आपका सोशल मीडिया पर देखा भी था, आपने भी लगातार प्रयास करते हैं। एक बार हम लोग दिल्ली में भी बातचीत करते रहते हैं जो वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री चलते, तो अभी दतिया हो गया मेडिकल कॉलेज, तो भिंड में भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो जाए, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास।